नमस्कार दोस्तों, संस्कृत बागेश्वरी कक्षा की इस ऑडियो टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिभा आर्या। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत संस्कृत की सभी विधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इसमें संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, काव्य अलंकार शास्त्र, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिनके प्रश्न और उत्तर इसमें समाहित होंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं संस्कृत टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इसके अंतर्गत आप हमें ऑडियो के अंत में ये ज़रूर बताएं कि इनमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए और कितने गलत। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ऑडियो टेस्ट सीरीज। संस्कृत वांग्मय के दो प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं? उत्तर, लौकिक साहित्य और वैदिक साहित्य। नीति शतक के रचयिता हैं? उत्तर, भर्तृहरि। संस्कृत भाषा को किस शताब्दी में राजाओं का सर्वाधिक आश्रय प्राप्त हुआ? उत्तर, द्वितीय शताब्दी में। किस विदेशी विद्वान ने पंचतंत्र को विश्व साहित्य की धरोहर सिद्ध किया? उत्तर, डॉक्टर वेनफी। पंचतंत्र के रचयिता हैं? उत्तर, विष्णु शर्मा। पांडवों में से किसके लिए वास पोषम इसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर, अर्जुन के लिए। यमऊ शब्द से इतिहास में किन दो व्यक्तियों का साथ में नाम लिया जाता है? उत्तर, नकुल और सहदेव को यमऊ कहा जाता है। किरात महाकाव्य में मूक नामक राक्षस किस वेश में आता है? उत्तर, वराह के वेश में। वृहत त्रयी में कितने ग्रंथों की गणना की गई है? तीन ग्रंथों की, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। संस्कृत साहित्य में अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर, महाकवि भारवी। महाभारत में व्रकोदर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उत्तर, भीमसेन। भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? उत्तर, भीष्म पर्व से। कठोपनिषद के अनुसार विश्वजीत नामक यज्ञ किसने किया? उत्तर, वाजश्रवा ने। उपनिषद किस विद्या के द्योतक होते हैं? उत्तर, ब्रह्म विद्या के। विद्वान सामान्यतया उपनिषदों की संख्या कितनी मानते हैं? उत्तर, 108। शुकनाशोपदेश किसके द्वारा लिखा गया? उत्तर, बाणभट्ट। संस्कृत साहित्य में पदलालित्य के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? उत्तर, दंडी। देवताओं और राक्षसों के समुद्र मंथन से कुल कितने रत्न प्राप्त हुए? उत्तर, 14। वासव दत्ता के लेखक हैं? उत्तर, सुबंधु। भगवद गीता का प्रतिपाद्य विषय है सांख्य। यज्ञ कर्म के लिए कुल कितने ऋत्विज चाहिए होते हैं? उत्तर, 4। प्राचीन काल में अतिथि को किसके तुल्य महत्वपूर्ण माना जाता था? उत्तर, अग्नि के तुल्य। ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं प्रमुख हैं? उत्तर, 21। महर्षि पतंजलि ने किस वेद की 1000 शाखाओं का उल्लेख किया है? उत्तर, सामवेद की। दोस्तों, आपको ये ऑडियो टेस्ट सीरीज कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि ये ऑडियो टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी उपयोगी है। और यदि आपको ये ऑडियो टेस्ट सीरीज अच्छी लगती है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।